हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण बायोग्राफी सर जॉन शॉर की है। लॉर्ड कॉर्नवलिस के बाद 1793 से लेकर 1798 यानी 1793 से 1798 के बीच में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम जॉन शॉर था। अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ साथ में अदर्स एग्जामिनेशन की बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जन जॉन शॉर की बायोग्राफी की बात करें तो इनके टाइम पीरियड की सबसे बड़ी घटना थी 1793 का चार्टर एक्ट, यानी पहला चार्टर एक्ट 1793 में पास हुआ था जॉन शॉर के समय में। इस चार्टर एक्ट के द्वारा सबसे बड़ा प्रावधान किया गया कि गृह सरकार के सदस्यों के भुगतानों को भारतीय राजस्व से अनिवार्य रूप से दिया जाने लगा था गाइस। यानी ब्रिटेन में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका पेंशन और वेतन भारतीय अकाउंट से दिया जाने लगा, अतः भारत की संपत्ति का निकलने की शुरुआत इसी जॉन शॉर के समय में चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा हुआ था गाइस। इसलिए जॉन शॉर को याद किया जाता है भारतीय इतिहास में। यही जॉन शॉर है जिसके टाइम पीरियड में 1795 में निजाम और मराठों के बीच में खरदा की लड़ाई लड़ी गई थी, द बैटल ऑफ खरदा बिटवीन निजाम एंड मराठास इन 1795। यानी इन्हीं के समय में खरदा की लड़ाई हुई थी गाइस, जो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम जॉन शॉर की बात करें तो इनका जन्म 5 अक्टूबर 1751 को सेंट जेम्स स्ट्रीट लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 फरवरी 1834 को मेलबॉर्न लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अगर हम प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज ए बंगाल के रूप में 1793 से 1798 के बीच में इन्होंने काम किया है गाइस। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। आई होप गाइस कि हमारे द्वारा जो भी आपको वीडियो दिए जा रहे हैं आपको पसंद आ रहे हों गाइस। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें गाइस। थैंक यू एंड टेक केयर।